ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस स्वागत है तुम लोग का एक और नई माइनक्राफ्ट की पॉकेट एडिशन की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो तुम लोग को याद होगा गाइस, लास्ट वाली वीडियो में हमने ये वाला अपना घर बनाया था एंड घर के अंदर का काम अभी भी बाकी है थोड़ा बहुत, वो मैं चलो बाद में कर लूँगा, उसका कोई सीन नहीं है। बट आज की इस वीडियो में बेसिकली गाइस हम लोग बनाने वाले हैं हमारा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर एक फार्म। बिकॉज यार तुम लोग को पता है खाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी खाने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपना एक माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का फार्म, जो कि होगा एक वीट फार्म। और मैं सोच रहा हूँ कि वो फार्म मैं कौन से जगह पर बनाऊँ। एक बार का मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले जगह पर ही नॉर्मल बना देता हूँ एंड एक बार ही मैं सोच रहा हूँ कि घर के पीछे वाले एरिया पर बना देता हूँ। बट अभी तक फाइनल नहीं है। फाइनल मेरा जितना दूर तक लग रहा है कि मैं घर के साइड वाले एरिया पर ही बना दूंगा, बिकॉज वो भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बाकी चलो यार देखते हैं गाइस कौन से जगह पर हम लोग बनाने वाले हैं। बाकी तुम लोग अगर कर सकते हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड या चलो शुरू करते हैं यार आज की वीडियो को। ओके सो गाइस एक और नई सुहानी सुबह हो चुकी है हमारी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया जाए। सबसे पहले तो मेरे को कुछ स्टिक्स बनाने पड़ेंगे। चलो घर के अंदर चल के कुछ स्टिक्स बना लेते हैं, बिकॉज मेरे को कुछ शवल चाहिए, मेरे को डर्ट हटाना है यार घर के बाहर के एरिया का। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल ओपन करते हैं एंड अपने पास ये तो रखे वुड रखा हुआ है, यहाँ से स्टिक्स बना लेते हैं थोड़े बहुत। कितने बने काय को नहीं बे, अबे गाइस बन रहे आई थिंक स्टिक। अरे 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 यार शायद बहुत ज़्यादा बन गया, रुको इन्वेंट्री। अरे यार देखो गाइस 60, देख रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, 64 और इधर 13 बन गया, मतलब एक स्टैक से भी ज़्यादा बन गया। मैं सोच ही रहा था कि शायद इन्वेंट्री के अंदर आ रहा है बट मैं चेक ही नहीं किया। बाकी चलो कोई नहीं यार, अभी जल्दी से एक शवल बना लेते हैं। एक शवल से क्या हो जाएगा, नहीं नहीं होगा शायद। बाकी चलो देखते यार अभी से एक शवल से देखते हैं। मुर्गियों घर के अंदर मत जाना, घर के अंदर जाओगे तो मर्डर टाप दूंगा इधर ही। बाकी यार ये वाला जो एरिया है, ये साइड में जो तुम एरिया देख पा रहे हो डर्ट का, ये पूरा का पूरा एरिया भी मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम दे दो गाइस इसको पूरा क्लियर करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे को पता है, बट अभी क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ यही वाले जगह पर बनाऊंगा आज अपना जो मतलब वीट का फार्म है। तो चलो यार जल्दी से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। बाकी ये मुर्गियाँ क्या कर क्या रही है, भाई मेरे घर के अंदर मत जाना, फेल दूंगा कसम बता रहा हूँ बाद में। बाकी चलो यार गाइस 2 मिनट का टाइम दो, मैं इसको पूरा क्लियर करके देन तुम लोग से मिलता हूँ एक बारी में। ओके सो गाइस अभी हम बहुत देर से काम कर रहे हैं बट फिर भी काम खत्म होने का बिल्कुल ही नाम नहीं रह रहा। भाई देख रहे हो हमको मतलब नीचे का डर्ट भी क्लियर करना पड़ रहा है और ऊपर का पेड़ भी काटना पड़ रहा है। बट खैर फिलहाल अभी तक हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एरिया खाली कर चुके हैं। अभी तक थोड़ा बहुत और एरिया खाली करना है, तो वो खाली करने में अभी देखते हैं इतना टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम मतलब 50% एरिया क्लियर कर चुके हैं। 50% में ही हमको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और 50% में भी आई डोंट थिंक सो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी ये पेड़ को काट लिया, ये भाई पेड़ का बड़ा इशू होता है। चलो अभी इसको छोड़िए, ऊपर का जो एक ब्लॉक है ना इसका वही काटा नहीं जा मतलब तोड़ा नहीं जा रहा मेरे से। बाकी चलो कोई ना उसको छोड़ते हैं, दूसरे पेड़ जो है ये सबको छटाई कर देते हैं, इधर से काट देते हैं, देन उसके बाद फिर जितना बाकी का डर्ट का एरिया है वो डर्ट के एरिया को पूरा फिल करना मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे को एक फ्लैट सरफेस चाहिए जहाँ पे मैं अच्छे से एक फार्म बना सकूँ। तो चलो देखते हैं वो कितने देर में होता है। सो गाइस अभी फाइनली बाहर के एरिया का जितना भी काम था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो तुम लोग डर्ट आ चुका है। भाई 4 स्टैक डर्ट आ चुका है एंड हमारे पास यहाँ पे कॉबल स्टोन भी थोड़ा बहुत आ चुका है एंड इसके साथ साथ वीट भी थोड़ा बहुत आ चुका है। बट चलो कोई ना, अभी तो देखना पड़ेगा क्या क्या काम करना है हमको। तो कॉबल स्टोन रख लेते हैं अपने साथ, बिकॉज मेरे को अभी कुछ टूल्स बनाने पड़ेंगे एंड मैं तुमको बाहर चल के अभी दिखाऊंगा कि क्या मतलब कितना दूर तक हमने काम किया है। भाई बहुत ज़्यादा एरिया काम खत्म कर दिया है मैंने, अभी सो नहीं सकते क्या। अरे अरे यार नहीं सो सकते, मतलब बार बारिश हो रही है तो मैं सोच रहा था अगर सो लूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। भाई यार ये साइड से हट के ही नहीं आ रहा है रिस्पॉन पॉइंट का ये जो भी फॉन्ट है। बाकी चलो ये हट चुका है। तो देखो गाइस यार ये वाला एरिया इतना बड़ा हम कंप्लीट कर चुके हैं, भाई थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, लगा नहीं था इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। बट चलो कोई ना, अभी फाइनली ये क्लियर हो चुका है। इतने जगह के अंदर हम हमारा जो मेन मतलब वीट फार्म है उसको बनाने वाले, अभी दरवाज़ा इसका बंद कर देते हैं। बाकी सोने का कोशिश करते हैं यार, सो तो नहीं सकते, आई डोंट थिंक सो सो सकते हैं। ओके अभी तक नहीं सो सकते हम लोग, तो जल्दी से एक काम करते हैं गाइस। अभी बेसिकली मेरे को कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी, जैसे कि मेरे को होए वगैरह बनानी पड़ेंगी उस जगह को छाटने के लिए। तो चलो एक काम करते हैं, ये क्या बन, अरे यार ये
कार्टोग्राफी टेबल के ऊपर क्लिक आ गया। बाकी चलो थोड़ा सा हम ये बना लेते हैं, हुए बना लेते हैं, दो हुए से आई थिंक काम हो जाएगा, दो हुए प्रॉपर बन जाएगा शायद से। तो चलो दो हुए हम बना चुके हैं गाइज, अभी बाकी चलो बाहर चल के देखते हैं, इसको बंद कर दो दरवाजे को एंड बंद करके देखते हैं अभी मतलब बाहर के एरिया का काम हम कितना दूर तक कर सकते हैं। जितना दूर तक मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा दो हुए से, बाकी मेरे को खाली एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि गाइस यार ये अंदर तक मतलब मैं पानी कैसे लेके आऊँगा, बिकॉज तुम लोग को पता है फार्म्स विदाउट वाटर काम नहीं करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हम छेद करेंगे यहाँ पे, ये छेद पर मैं पानी कैसे लेके आऊँगा, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो गाइस, मैं अपना थोड़ा साइंटिफिक दिमाग मतलब समझ रहे न्यूटियन का दिमाग हम अपना थोड़ा लगाते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं वापस आता हूँ तुम लोग से मिलने। ओके तो गाइस बहुत देर तक अपने न्यूटन का दूसरा दिमाग मतलब यूज़ करने के बाद मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ से मतलब जो डर्ट है इसको तोड़ के नदी से डायरेक्ट पानी इंपोर्ट करवाए। देख रहे हो भाई सीन, देख रहे हो मतलब दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ है, तुम हग दोगे भाई, कतई हग दोगे जैसा मैं हग रहा हूँ, मतलब कोई ना चलो ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे करके पानी लेके जाते हैं, अभी मेरे को देखना पड़ेगा इसका फ्लो तो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, अभी मैं इसका फ्लो और ज़्यादा कैसे बढ़ाऊँ तो मेरे को वो सीन देखना पड़ेगा। तो एक काम करो गाइस, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, पता नहीं कितना टाइम लगेगा बट तुम लोग मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं इधर जितना मतलब जितना अपना रॉकेट साइंस वो यूज़ करके इधर तक पानी लेके आ सकते हो, अगर पानी लेके आ पाता हूँ तो ठीक है, नहीं लेके आ पाता हूँ तो छोड़ देंगे भाई, क्या ही जा रहा है अपना। तो गाइस फिलहाल तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो एरिया है यहाँ पर हम पानी डाल चुके हैं, बट एक प्रॉब्लम हो गई कि ये जो साइड का फ्रेम है यहाँ पर मैं पानी नहीं डाल पाया, इतना दूर तक वाटर आ ही नहीं रहा था भाई। तो अभी अपना होए लेते हैं एंड जल्दी से जल्दी इसको पूरा का पूरा क्लियर करना स्टार्ट करते हैं यार, पूरा मतलब एरिया खाली कर देंगे इसका, मतलब होए से इसको छांट देंगे एंड उसके बाद अभी हमको लगाना है, हमारा क्या लगाना है सीड्स एंड हमारे पास एक स्टैक के आसपास सीड्स भी है, तो चलो काम तो हो जाएगा, बाकी देखते यार कितना दूर तक कितना काम हो सकता है। चलो यार बाकी एक काम करो, मेरे को दो मिनट का टाइम दो, मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ, मतलब होए से इसको पूरा छांट देता हूँ देन छांट के तुम लोग को मिलता हूँ। बाकी तुम लोग गाइस यार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि तुम लोग को वीडियोज़ वगैरह पसंद आ रहे हैं कि नहीं, अगर पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है यार, अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा बड़ा शेयर कर देना यार, हमको भी थोड़ा सब्सक्राइबर्स न्यू मिल जाएंगे, चैनल का रीच बड़ा डाउन चल रहा है, तो तुम लोग अगर कर सकते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह कर देना। बाकी चलो अभी इसका जब तक इसका काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, मैं अगर वीडियो ना भी काटूँ तो भी इसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, ये बस थोड़े मोड़े और ब्लॉक्स बाकी हुए हैं। तो देखते यार बाकी मेरे होए का हेल्थ बड़ा कम है यार, होए अभी टूट ना जाए भाई, थोड़े मोड़े और ब्लॉक्स बचे हुए हैं, टूट मत जाइयो यार होए, अगर ये होए टूट गया तो फिर से बना के लेके आना पड़ेगा। दो होए लेके आ गया था, एक मेरा ख़त्म हो गया। अरे गाइस काम हो गया ओके भाई, अपना काम हो चुका है, बाकी इन्वेंट्री में चलते हैं, इन्वेंट्री में देखते हैं। ओके 64 हमारे पास यहाँ पे सीड्स रखे हुए, भाई बहुत टाइम लगे थे इसको मतलब लेने में, जुगाड़ करने में इसका, बाकी चलो सीड्स लगाना स्टार्ट कर। अरे भाई एडवांसमेंट दो मेरा सीड्स का, मतलब ऐसे सीडी प्लेस का एडवांसमेंट नहीं मिलता क्या पॉकेट एडिशन में, वो भाई मेरे को नहीं पता था यार। एसीडी तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ यार गाइस, एसीडी प्लेस का जो वो है क्या कहते हैं उसको एडवांसमेंट है वो मिलता है कि नहीं इस वाले माइनक्राफ्ट में। और ये तो बवासीर मचा दिए हम, बाकी यहाँ पे लगा दो जल्दी से ये सीड एंड अभी इसमें प्रॉपर पूरे के पूरे एरिया में हमको सीड लगाना पड़ेगा, देन हमारा फाइनली एक फार्म का काम तो कम्प्लीट हो जाएगा, बिकॉज तुम लोग को पता है यार गाइस कितने सारे फार्म होते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, तो हमको सारे में से बस एक फार्म हम फर्स्ट फार्म हमारा कम्प्लीट कर चुके हैं और विदाउट वाटर बकेट कर चुके हैं भाई। ये काम करने में वाटर बकेट की मस्ट नीड होती है, बट हम वाटर बकेट के बिना ही कर दिए। थोड़ा मैं यूट्यूब पे कुछ रिसर्च वगैरह किया तो मेरे को वीडियोस मिले, तो मैं वो वीडियोस देख के काम ख़त्म किया। अरे यार गाइस ये ख़त्म हो गया यार मेरे पास, क्या कहते हैं इसको सीड्स ख़त्म हो गए क्या, अरे छीज बे सारे सीड्स ख़त्म हो गए। बाकी चलो यार गाइस क्या कर सकते हैं, यही था यार गाइस आज की इस वाली वीडियो में, आशा करता हूँ तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो एक लाइक करना मत भूलना, बाकी नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं ये पूरा एरिया ठीक कर दूंगा एंड तुम लोग यार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बहुत हो गया प्रमोशन, चलो गाइस हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।